ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का नंबर वन मोस्ट कॉमन कैंसर है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे कॉमन सब टाइप है उसमें सिर्फ हार्मोन थेरेपी टैबलेट से बहुत अच्छा सर्वाइवल पाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर एज ऑफ टुडे 2024 इंडिया का नंबर वन कैंसर है एंड 1 out of 6 वुमेन विल हैव टू डील विद ब्रेस्ट कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। तो हमारी ओपीडी में ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ऑलमोस्ट हम डेली देखते हैं और डेली इसको मैनेज करना पड़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी कंट्री के लिए। तो जब हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट से डील करते हैं तो अलग अलग प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर हमारी ओपीडी में आते हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। और कई लोग ये नहीं जानते कि ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मल्टीपल डिजीजेस है। और प्रैक्टिकली स्पीक करें तो ब्रेस्ट कैंसर के 3 मेन सब टाइप है। हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो 2/3 यानी अराउंड 60% ऑफ पेशेंट में होता है, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो 20% पेशेंट में होता है, और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो 20% पेशेंट में होता है। हमने प्रीवियसली HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करी है जो आप चैनल पेज से देख सकते हैं या इस वीडियो के ऊपर लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर टाइप के बारे में है जो कि होता है हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक डिटेल डिस्कशन से आपको आज इस बीमारी के बारे में सबको समझाएंगे। तो नंबर वन क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा वो है कि हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर वो ब्रेस्ट कैंसर का प्रकार होता है जो 2/3 मरीजों में होता है और जिसकी बायोलॉजी मेनली फीमेल हार्मोन से ड्रिवन है। तो फ्रेंड्स, बॉडी में हर सेल का वेरियस हार्मोन्स का उस सेल पे असर पड़ता है और फीमेल्स में स्पेशली जो हार्मोनल ऑर्गन होते हैं वो ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी इत्यादि ऑर्गन होते हैं जिनमें फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के असर से सेल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉड्यूलेट होता है। तो क्या होता है कि ब्रेस्ट पे जब फीमेल हार्मोन्स का असर पड़ता है तो वो सेल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और ओवर मेनी मेनी ईयर्स लॉन्ग टर्म हार्मोन एक्सपोजर से कुछ सेल्स ओवरग्रो करके जेनेटिक डैमेज हो जाता है और वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो सेल्स अपनी अनलिमिटेड कॉपीज बनाने लग जाते हैं और ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कैंसर के टाइप को HR पॉजिटिव या हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं और ये 2/3 ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी यदि 3 लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होगा तो 3 में से 2 लेडीज़ को हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी पेशेंट वर्ल्ड में कहीं भी अगर ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस लेके आता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे पहले उस कैंसर का एक बायोप्सी करता है और उस कैंसर के टुकड़े के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं जिनको बोलते हैं PR, और HER2। तो PR एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं जो हार्मोन सेंसिटिविटी के मार्कर होते हैं, और HER2 एक टारगेटेड थेरेपी का मार्कर होता है। तो इन पेशेंट्स जिनमें या फिर PR पॉजिटिव है और HER2 नेगेटिव है, इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि इनको हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, और ये आज के वीडियो का मेन डिस्कशन है। तो यदि हम किसी पेशेंट का बायोप्सी करके PR, HER2 कराते हैं और उसका या PR पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव है तो उनको हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, और उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर है। नंबर वन, ये कॉमनली ओल्डर लेडीज़ में होता है जिनकी एज 45 या 50 के ऊपर है, और यंगर लेडीज़ में ये लेस कॉमन है। नंबर टू, ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। तो कॉमनली यदि हम HER2 या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कोई बात करते हैं तो ये रैपिडली ग्रोइंग और रैपिडली स्प्रेडिंग कैंसर होते हैं, पर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है उनमें हम कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट बहुत सारे महीने कैंसर का इलाज नहीं भी करते तो भी कैंसर उतना ही रहता है, स्लोली ग्रो करता है। तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। नंबर थ्री, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्प्रेड नहीं करता। तो कॉमनली हम देखते हैं कि HER2 और ट्रिपल नेगेटिव में कैंसर तेज़ी से ब्रेस्ट से लिम्फ नोड में फिर ब्रेन, बोन, लिवर, लंग में फैल जाता है, जबकि हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे महीनों तक भी ब्रेस्ट के अंदर ही रहता है और स्लोली ही स्प्रेड करता है। नंबर फोर, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर अगर फैलता भी है तो कॉमनली लिम्फ नोड और बोन में ही फैल करता है, लिवर, लंग और ब्रेन में हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की फैलने की टेंडेंसी कम होती है। तो यूजली स्टेज फोर में भी ये कॉमनली मेनली बोन्स को इन्वॉल्व करता है और नॉन बोनी साइड पे इसका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। और नंबर फाइव, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन सेंसिटिव होता है, तो चूंकि ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस से बढ़ता है, यदि हम हार्मोन सिस्टम को मॉडिफाई या मॉड्यूलेट करें तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और एक्सटेंड आउटकम सिंपल हार्मोन थेरेपी से पाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली आप पूछेंगे वो ये है कि
हार्मोन थेरेपी से हमारा तात्पर्य क्या है, व्हाट इज हार्मोन थेरेपी। तो जैसे हमने डिस्कस किया, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर चूंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की वजह से ग्रो करता है, कुछ दवाइयाँ और कुछ टेक्नोलॉजीज आज के दिन अवेलेबल है जिनसे इन्हीं हार्मोन्स को, इनके बॉडी के लेवल को या इनके एक्शन को हम मॉडिफाई या मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जिससे इनका ट्यूमर सेल पे असर अबॉलिश हो जाए। और जब ऐसा होता है तो ट्यूमर सेल अपने आप कंट्रोल और किल हो जाता है, और इन टेक्नोलॉजीज को हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। तो यदि हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो हार्मोन थेरेपी में मेनली तीन तरह की टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है, जो हम तीनों एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है ओवेरियन सप्रेशन, सेकेंड होता है ओरल हार्मोनल टैबलेट्स, और थर्ड होता है सर्ड यानी SERDs। तो तीनों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ओवेरियन सप्रेशन। तो फ्रेंड्स, चूंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से निकलता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम ओवरी को अगर स्विच ऑफ कर दें तो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो जाएगा और ना के बराबर हो जाएगा। तो ओवेरियन सप्रेशन उन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं जिससे हम ओवरी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज को हम बंद कर सकते हैं। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर वन है सर्जरी, जिसमें ओवरीज को ऑपरेट करके बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। नंबर टू होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें मशीन की सिकाई से ओवरीज को रेडिएशन करके उनका फंक्शन स्टॉप किया जा सकता है। और नंबर तीन होता है मेडिसिंस, जैसे मेनली दो कैटेगरी की दवाइयाँ अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं GnRH एग्निस्ट एंटैगनिस्ट, जो कि स्पेशल तरह की इंजेक्शन या टैबलेट होती है जो बॉडी में जाती है और ओवेरियन फंक्शन को कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर देती है। और रिसेंटली एक नया GnRH एंटैगनिस्ट आया है जो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो बॉडी में सेम फंक्शन करता है। पेशेंट वो गोली खाता है और बॉडी के अंदर जाके वो ओवरी के फंक्शन को स्विच ऑफ कर देती है, क्योंकि ब्रेन में एक हार्मोन बनता है, इसको GnRH बनता है, जो ओवरी को अलाउ करता है कि वो हार्मोन बनाए, और वो टैबलेट या इंजेक्शन सिंपली आके ब्रेन में GnRH को स्विच ऑफ कर देता है ताकि ओवरी का फंक्शन बंद हो जाए। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ओवेरियन सप्रेशन के तीन टाइप्स है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और दवाइयाँ, जिनको GnRH ब्लॉकर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन थेरेपी को हम बोलते हैं ओरल टैबलेट्स, जिसमें दो मेन तरह की गोलियाँ आती है। एक को हम बोलते हैं टैमोक्सिफेन और एक को हम बोलते हैं एरोमेटाइज इनहिबिटर। तो फ्रेंड्स, टैमोक्सिफेन कुछ खाने वाली टैबलेट है जो हार्मोन जिस रिसेप्टर के थ्रू सेल पे एक्ट करता है, उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं ताकि हार्मोन उस पर एक्ट ना कर सके। और टैमोक्सिफेन एक बहुत ही पुरानी और इफेक्टिव हार्मोन थेरेपी है। आज के दिन टैमोक्सिफेन से बेटर भी हार्मोन थेरेपी अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर। तो एरोमेटेज इनहिबिटर कुछ दवाइयाँ होती है जो बॉडी में जाके जो एंजाइम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम को स्विच ऑफ कर देती है ताकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जीरो हो जाए। और इसमें तीन कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं लेट्रोजोल, एक को हम बोलते हैं एनास्ट्राजोल और एक को हम बोलते हैं एक्जेमेस्टिन। तो ये तीन तरह के एरोमेटेज इनहिबिटर है जो कि मोर इफेक्टिव ओरल हार्मोन थेरेपी है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, जिस महिला के पीरियड्स खत्म नहीं हुए हैं, यानी कि जो महिला प्री मेनोपॉजल है, उसमें एरोमेटेज इनहिबिटर को बिना ओवेरियन सप्रेशन के नहीं दे सकते। तो यदि किसी महिला के पीरियड्स खत्म नहीं हुए हैं, तो एनास्ट्राजोल, लेट्रोजोल या एक्जेमेस्टिन देने से पहले सर्जरी, रेडिएशन या दवाइयों से पेशेंट के ओवरीज को ऑफ करके पीरियड्स बंद करने पड़ेंगे, और सिर्फ तभी एरोमेटेज इनहिबिटर उस महिला को दिए जा सकते हैं। जिन पेशेंट के पीरियड खत्म नहीं हुए हैं, उनको टैमोक्सिफेन देना बेटर रहता है, क्योंकि वो उन पेशेंट्स में बेटर काम करता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ हार्मोन थेरेपी को हम बोलते हैं SERD। तो फ्रेंड्स, SERD लेटेस्ट जनरेशन ऑफ हार्मोनल थेरेपीज है, जिसमें इंडिया में एज ऑफ टुडे एक ही ड्रग अवेलेबल है, जिसको फुलवेस्ट्रेंट या फैल्सोडेक्स बोलते हैं। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बेटर ड्रग्स मार्केट में US में अवेलेबल है और वेरी वेरी सून इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें इस समय सबसे इंपॉर्टेंट दो ड्रग्स है। एक को हम बोलते हैं इलासेस्ट्रेंट या ऑर्सरेडू, और दूसरे को हम बोलते हैं कैमिजेस्ट्रेंट। तो इलासेस्ट्रेंट और कैमिजेस्ट्रेंट इस समय इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर उम्मीद है कि जल्दी ये ड्रग्स भी इंडिया में लॉन्च होंगे। SERD डायरेक्टली कैंसर सेल में जाते हैं और जो हार्मोन का रिसेप्टर है उसको पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही पोटेंट और इफेक्टिव हार्मोन थेरेपी है, और फ्यूचर में लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ओवर टाइम जो पुराने जनरेशन के ड्रग्स हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन के ड्रग्स रिप्लेस कर लेंगे, और SERDs विल बिकम द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हार्मोन थेरेपी ड्रग्स के अलावा हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में और क्या ट्रीटमेंट्स यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, हार्मोन थेरेपी के अलावा हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में अलग अलग स्टेजेस पे डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्टेज वाइज क्या मैनेजमेंट है, 1, 2, 3, 4 क्या इलाज होता है। पर मोटा मोटा इनको हम इन फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन होता है सेल साइकिल ब्लॉकर्स। तो फ्रेंड्स, सेल साइकिल ब्लॉकर्स तीन स्पेशल दवाइयाँ हैं,
पेल्बोसाइक्लिब, राइबोसाइक्लिब और अबेमासाइक्लिब, जो कि कैंसर सेल के डिवीजन प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दवाइयों को मेनली हार्मोन थेरेपी के साथ जोड़ के दिया जाता है, और ये जब हार्मोन थेरेपी के साथ जुड़ती है तो हार्मोन थेरेपी का असर वो कई गुना एक्सेलरेट कर देती है और कई गुना बढ़ा देती है। तो ये स्पेशल मेडिसिन है जो हार्मोन थेरेपी के साथ कंबाइन करके दी जाती है और एक कैंसर सेल के डिवीजन को स्टॉप कर देती है, ताकि कैंसर को फटाफट किल किया जाए और बीमारी को फटाफट कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग को हम बोलते हैं AKT mTOR पाथवे ब्लॉकर। तो फ्रेंड्स, कैंसर में, मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर कैंसर में एक जेनेटिक पाथवे होता है जो PIK3CA जीन होता है, वो AKT जीन को स्टिमुलेट करता है, जो mTOR जीन को स्टिमुलेट करता है, जो कि DNA को स्टिमुलेट करता है और कैंसर सेल को ग्रो कराता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पाथवे को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। और इसमें मेनली आज के दिन तीन ड्रग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं एल्पेलिसिब, एक को हम बोलते हैं एवरोलिमस, और एक को हम बोलते हैं कैपिवासर्टिब। तो कैपिवासर्टिब इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में आ जाए। पर ये तीन ड्रग्स सेलेक्टेड पेशेंट जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स है उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं और पेशेंट का बहुत अच्छा आउटकम देते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ थोड़े से ही पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का इलाज हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से बहुत अच्छी तरह हो जाता है। नेवरदलेस कुछ पेशेंट ऐसे रहेंगे जिनमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत रहेगी, और उनको सेलेक्टेड केस बाय केस बेसिस पे लाइट और सेफ कीमोथेरेपी से अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्टली सर्जरी और रेडियोथेरेपी, अगेन ये मेनली उन पेशेंट में यूज़ होते हैं कि हमारी फैली नहीं है, एक ही जगह पे है। तो सर्जरी मतलब ट्यूमर को काट के बॉडी से बाहर कर देना, और रेडियोथेरेपी मतलब मशीन से सिकाई से बीमारी को वापस आने से रोकना। तो जैसा हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ये हर स्टेज में नहीं, मेनली अर्ली स्टेज कैंसर में यूज़ किया जाता है ट्यूमर को एलिमिनेट करने के लिए। तो फाइनली हम बात करते हैं कि स्टेज वाइज मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या है, यानी ग्रॉसली किस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म अच्छा आउटकम देने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले यदि हम बात करें स्टेज वन और स्टेज टू, यानी कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में है या मैक्सिमम 1 से 3 लिम्फ नोड कंधे के नीचे फैला है और बॉडी में कहीं पे भी कैंसर नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पे है, तो इन पेशेंट्स में जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी, जो कि कंपलसरी है ट्यूमर को इरेडिकेट करने के लिए, रेडियोथेरेपी जो कुछ पेशेंट में ज़रूरत पड़ सकती है जिनमें हम ब्रेस्ट को नहीं निकाल रहे और ब्रेस्ट को छोड़ रहे हैं, और हार्मोन थेरेपी, जैसे हमने डिस्कस किया था हार्मोन थेरेपी टैबलेट्स से पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म अच्छा आउटकम दे सकते हैं। इन एडिशन 1 out of 3 पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो आज के दिन स्टेज वन स्टेज टू ब्रेस्ट कैंसर में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का इलाज कम्प्लीटली बिना कीमोथेरेपी के होता है, और सिर्फ 1 out of 3 पेशेंट्स जिनका हम जीन टेस्टिंग करके पता करते हैं कि ट्यूमर अग्रेसिव या फास्ट ग्रोइंग है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेज थ्री पे। तो स्टेज थ्री का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ट्यूमर ब्रेस्ट से निकल के कंधे की ज़्यादा नोड से फैल गया है, ब्रेस्ट का स्किन इन्वॉल्व है, पीछे का मसल इन्वॉल्व है, या छाती के अंदर की कुछ लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, तो इसको स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर में आज के दिन जो मेन ट्रीटमेंट है वो होता है कीमोथेरेपी। चूंकि ट्यूमर ज़्यादा फैला हुआ है और अग्रेसिव है, इसमें थोड़ा कीमोथेरेपी देके यूजली प्रेफर किया जाता है कि ट्यूमर को पहले दबा के श्रिंक कर दिया जाए ताकि उसके ऑपरेशन हो सके, सर्जरी ट्यूमर को बाहर निकालने के लिए, रेडियोथेरेपी ताकि बीमारी वापस ना आए, हार्मोन थेरेपी जैसे हमने डिस्कस किया टैबलेट्स जो कि बीमारी को वापस आने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रोकती है, और सेल साइकिल ब्लॉकर जो कि हार्मोन थेरेपी का असर बढ़ाते हैं। तो टिपिकली स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर में ये सारे ट्रीटमेंट कंबाइन करके पेशेंट को ऑलमोस्ट 80-90% लॉन्ग टर्म क्योर रेट हम दे सकते हैं। तो आज के दिन स्टेज थ्री में भी ब्रेस्ट कैंसर का आउटकम बहुत ही अच्छा है। स्टेज वन एंड टू में ब्रेस्ट कैंसर का आउटकम 95% प्लस है, यानी 95% से ज़्यादा पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड क्योर है। और फाइनली हम बात करते हैं स्टेज फोर की। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर यदि ब्रेस्ट के बियॉन्ड लंग, बोन, लिवर कहीं भी फैल गया है, हालांकि ज़्यादातर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोन में ही फैलता है, पर कहीं भी यदि ये ट्यूमर फैल गया है तो उसको हम स्टेज फोर बोलते हैं। और स्टेज फोर में फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जरी और रेडिएशन का कोई रोल नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पेशेंट की बीमारी ब्रेस्ट के बाहर फैल चुकी है तो अंडरस्टूड है कि भाई यदि हम निकाल भी दिया तो कैंसर बाहर निकल चुका है और एक हड्डी की गांठ दूसरी हड्डी की गांठ बना सकती है, तो उस कैंसर को निकाल के हम एक्स्ट्रा कुछ अचीव नहीं कर रहे। तो स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर के ऑनवर्ड्स सर्जरी और रेडिएशन नहीं की जाती, क्योंकि उससे पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव नहीं होता, और उसमें जो मेन ट्रीटमेंट होती है वो होती है हार्मोन थेरेपी। तो इन पेशेंट्स में हम वेरियस तरह की हार्मोन थेरेपीज पेशेंट को देते हैं, ओवरीज का फंक्शन शटडाउन करते हैं, खाने की टैबलेट्स देते हैं, साथ में टारगेटेड थेरेपी जैसे कि सेल साइकिल ब्लॉकर या PIK3CA AKT mTOR पाथवे ब्लॉकर या फिर अन्य दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है
नेट रिजल्ट होता है कि बीमारी को अच्छी तरह डीपली सप्रेस कर दिया जाए, ना के बराबर लेवल पे लेके आया जाए। और आज के दिन स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर जो कि फैला हुआ या लाइलाज कन्वेंशनली बोला जाता है, उसमें भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और क्योर रेट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एज ऑफ टुडे यानी 2024 में जो एवरेज सर्वाइवल स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर का है एवरेज, वो 5-6 साल से भी ज़्यादा है। तो और हर साल नई मेडिकल एडवांसमेंट आ रही है जो इस सर्वाइवल को और भी आगे पुश करती जा रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट चाहे उन्हें स्टेज फोर कैंसर ही हो, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 5 ईयर से ज़्यादा और एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, हैप्पी और हेल्दी फिट लाइफ पा सकते हैं आज की अवेलेबल मॉडर्न थेरेपी से। तो एवरी स्टेज पे, चूंकि एक स्लो ग्रोइंग और ऑप्टिमिस्टिक ट्यूमर है, स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन पॉजिटिव में भी चाहे स्टेज 1, 2, 3 या 4 हो, पेशेंट का आउटकम एक्सीलेंट है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी एक्सीलेंट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की यदि मैं इस एक ड्रग भी उठाऊँ, बस एक ड्रग के ऊपर भी पूरा 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। ये एक हाईली डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो ये मुझे उम्मीद है ब्रीफ समरी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो, आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिली हो। और हमारे चैनल का मेन पर्पज़ यही है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के कैंसर पेशेंट्स को उनकी लैंग्वेज में मिले। तो इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल से सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में डिस्कस टॉपिक्स के अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वीडियो कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन है फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द मिले। जल्दी आएगा एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।